पक्ष की चतुर्दशी 6 सितंबर सोमवार का दिन है। देश और दुनिया की खबर, बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले समेत भारतीय टीम के स्पोर्ट स्टाफ के 4 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है। खबर है कि रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को आइसोलेशन में रखा गया है। टोक्यो पैरालंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। 19 साल की इस शूटर ने टोक्यो में 1 गोल्ड सहित 2 मेडल जीते हैं। भारत ने इस बार 5 गोल्ड सहित 19 मेडल जीते हैं। भारत मेडल टेबल में 24वें नंबर पर रहा। ये पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चीन 207 मेडल के साथ पहले, ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी अफगानिस्तान जाकर तालिबान के नेताओं से बात कर रहे हैं तो भारत की स्थिति अभी वेट एंड वॉच वाली है। पूर्व भारतीय डिप्लोमेट अनिल वाधवा के मुताबिक भारत अभी रुककर हालात समझने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि भारत अफगानिस्तान में बनी तालिबानी सरकार को सिरे से खारिज कर दे। नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत समेत किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। भारत विरोधी प्रदर्शन होने के बाद सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि नेपाल अपने सभी पड़ोसियों से करीबी और मजबूत रिश्ते चाहता है। कहीं मतभेद या विवाद होते हैं तो इन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। वे हमारे अपने खून हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके नजरिए को समझें और जमीन तक पहुँचने के लिए उनके साथ काम करें। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। राजस्थान के सावलिया जी मंदिर में 1 किलो सोने के बिस्किट की भेंट। भंडारे में पहली बार $100 के 125 नोट भी मिले। मुजफ्फरनगर में किसानों ने की महापंचायत। टिकैत बोले, यहाँ अल्लाह हू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगते रहेंगे। कोरोना के साथ केरल में निपाह का खतरा। कोझिकोड में 12 साल के बच्चे की मौत। राज्य में 2 साल बाद मिले नए मामले। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लोगों से संवाद करेंगे। यहां 100% वयस्क आबादी को टीका लग चुका है। देश भर के कुछ प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम बताते हैं। जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्की फुहार पड़ सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। पटना और लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादलों के साथ हल्की बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ और दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा। मुंबई में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। 56 साल पहले आज ही के दिन भारत ने सीमा पार जाकर पाकिस्तान के लाहौर सियालकोट पर हमला किया था। उस वक्त चीन से युद्ध में हार की वजह से भारतीयों का मनोबल टूट चुका था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन से भारत में नेतृत्व संकट पैदा हो गया था। इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। हथियारों से लैस हजारों पाकिस्तानी लड़ाके 5 सितंबर 1965 को कश्मीर में घुसे। कश्मीर के लोगों ने भारतीय सेना को उनकी खबर दे दी। पाकिस्तान को लगा कि उसका प्लान फेल होने वाला है। उसने भारत पर गोले दागना शुरू कर दिए। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार।
अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने कहा है, कोई भी सपना जादू से हकीकत में नहीं बदल सकता, इसके लिए पसीना, मजबूत संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे।